दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि भाई रात चाहे कितनी भी घनघोर अंधेरी काली हो भैया, उसकी असली औकात सूरज के रोशनी के सामने पता चलती है। यानी कि भैया सीधी बात कहें कि भैया आपके जीवन में अगर काली अंधेरी रात आ जाती है तो भैया आप उसके सामने नतमस्तक मत होइए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला कीजिए। यानी कि भैया आप अपने मेहनत के बल पर उस काली अंधेरी रात को बहुत ही आसानी से अपने जीवन से चलता कर देंगे। और दोस्तों कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं इन दिनों बॉलीवुड के उभरते हुए नए रोमांटिक स्टार, यानी कि भैया कार्तिक आर्यन। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई भैया बॉलीवुड के उभरते हुए नए रोमांटिक सुपरस्टार यानी कि कार्तिक आर्यन से। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम सब लगातार देख रहे थे कि भैया कार्तिक आर्यन को लेकर कितनी नेगेटिव खबरें बॉलीवुड से निकल कर आ रही हैं, जिसको देखने के बाद लोग यहां तक कहने लगे थे कि भैया उनके साथ वैसा ही गंदा खेल खेला जाने लगा है जैसा कि दिवंगत कलाकार यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ खेला गया था। यानी कि भैया इन दिनों जिस तरीके से नेगेटिव खबरें आ रही थी कार्तिक आर्यन के खिलाफ, उसको देखने के बाद मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या वाकई में इन दिनों बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। तो भाई ये खबरें तो आ रही थी और इन खबरों पर चर्चा भी काफी हो रही थी हर एक मीडिया हाउस में, लेकिन भैया अब कार्तिक आर्यन को लेकर जैसी खबरें हम लोगों के सामने आने लगी है, उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया सभी नेगेटिव खबरों को एक झटके में उड़ा कर ले जा रहे हैं अपने टैलेंट के बल पर। कौन तो भैया कार्तिक आर्यन। दोस्तों आप लोगों को तो याद ही होगा कि कल साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया बहुत जल्दी ही कार्तिक आर्यन साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली सत्यनारायण की कथा में नजर आएंगे, जिसकी ऑफिशियली घोषणा कल कर दी गई थी एक छोटे से मोशन टीजर के माध्यम से। और दोस्तों आज कार्तिक आर्यन को लेकर बॉलीवुड से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ गई, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार तो पहले से गर्म था कि भैया बहुत जल्दी ही एकता कपूर रोहित धवन के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने वाली है, जो कि भैया साउथ की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरा मुल्लू की ऑफिशियल रीमेक होगी। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भैया जब यह फिल्म बॉलीवुड में बनेगी तो भैया इस फिल्म का नाम क्या होगा। तो दोस्तों इस फिल्म का जो नाम हम लोगों के सामने आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि भैया यह फिल्म शहजादा के नाम से सिनेमाघर में एंट्री मारेगी। और भाई इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट कौन से एक्टर्स नजर आएंगी वो नाम भी सामने आ गया, यानी कि भैया कृति सेनन को लेकर ये चर्चा की जा रही है कि भैया उनकी एंट्री इस फिल्म में लगभग लगभग तय मानी जा रही है। यानी कि भैया अभी तक अनऑफिशियली ये खबर हम लोगों के सामने आ चुकी है कि कृति सेनन जो है वो कार्तिक आर्यन के अपोजिट शहजादा में नजर आएंगी और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रोहित धवन। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई कार्तिक आर्यन अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से अपने एंटीज को जवाब दे पाएंगे कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।